ये तुम्हारा इंटेंशन है, ये एक्शन है और इस वीडियो में ये करना चाहते हैं। सो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा एक फिटनेस रूटीन होगा जिसमें एक मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊँगी। अगले दिन मैं सुबह जल्दी जल्दी उठूँगी, 5 बजे 6 बजे उठूँगी, उसके बाद एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर जाके रनिंग में जाऊँगी। तुमने जिम मेंबरशिप भी ले ली है कोई बहुत ही एक्सपेंसिव जिम की, क्योंकि 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है। एंड जब अलार्म एक्चुअली अगले दिन बजता है, देन यू कीप स्नूजिंग, तुम्हारे दिमाग में इतने थॉट्स आ रहे होते हैं कि शिट, मैंने इतना सारा प्लान किया था, ये सारा एक्चुअली मुझे आज करना पड़ेगा, और उसमें तुम स्नूज कर करके उसके बाद सोचते हो यू नो व्हाट, कल शायद मेरे अंदर ज़्यादा मोटिवेशन होगी तो ये चीज़ मैं कल करती हूँ। तो मेरे पास 3 महीने की डेडलाइन है कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, और तुमने सोचा इस बार जो मैं असाइनमेंट लिखूँगी ना वो तो एकदम मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पे बेस्ड होगा, मैं इनफैक्ट इतना अच्छा लिखूँगी कि शायद उसको मैं पब्लिश भी करा दूँ कहीं, प्रेजेंटेशन में भी, कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट कर दूँ। बट एक्चुअली फिर ऐसे करते करते सोचते सिर्फ 2 दिन बाकी हैं डेडलाइन में, एंड यहाँ पे तुम बैठ के या तो नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर रहे हो या फिर पता नहीं अपनी घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हो। थर्डली ये भी हो सकता है कि तुमने बहुत ही अच्छा कोई बिजनेस आइडिया सोचा है और तुमने कैनवा पे अपने बिजनेस के लोगो भी बना लिया है, तुमने नाम भी सोच लिया, तुमने ये भी रिसर्च कर लिया कि यू नो अपने कंपनी को रजिस्टर कैसे करते हैं। बट वो सारी चीज़ें सोचते सोचते तुम इतने ओवरवेल्म हो जाते हो कि कंपनी को चलाने के लिए या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो एक्चुअली असेंशियल स्टेप्स है वो तुम लेते ही हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं यू नो व्हाट, मैंने YouTube का आइडिया सोच के रखा है और मैं वो चैनल मैंने एक चैनल सोच के रखा है, तुमने अपना चैनल का नाम सोच लिया, तुमने YouTube पर चैनल भी बना लिया, तुमने अपना, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, तुमने डिसाइड कर लिया मैं इसके ऊपर बनाऊँगी, मैं अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर बनाऊँगी, एंड फिर फाइनली सालों हो जाते हैं बट यू डोंट एक्चुअली पुट आउट अ वीडियो। ये सारे सिनेरियोस बहुत अलग हैं, हो सकता है कि वो बहुत ही अलग रीजंस की वजह से ये मैनिफेस्ट हो रहे हैं, बट ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोक्रास्टिनेशन के। इसमें हो सकता है इंटेंशन अलग है, एक्शन अलग है, टास्क अलग है, इमोशन अलग है, लेकिन सबके सब प्रोक्रास्टिनेशन झलकाते हैं। वीडियो एडिट करते करते आई रियलाइज दैट I did not introduce myself. तो मेरा नाम फरहीन है, मैं एक रिसर्चर हूँ। मेरे पास 2 मास्टर्स डिग्रीज हैं, एक इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और दूसरी इन रिसर्च फॉर पॉलिसी एंड एवेल्युएशन। मुझे रिसर्च करना अच्छा लगता है, रिसर्च पढ़ना अच्छा लगता है और रिसर्च कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, दूसरों तक पहुँचाना अच्छा लगता है। और ये कम्युनिकेशन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सरल हिंदी या मिक्स्ड लैंग्वेज में करूं ताकि ऐसे लोगों तक ये पहुंच पाए जहां रिसर्च पहुंच पाए जिनको इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी जिससे हम प्रोक्रास्टिनेशन को से डील कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और अपने जो एक्चुअली इंटेंडेड एक्शन है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स ऑफकोर्स आपने बहुत सारे वीडियोज़ हैं प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर, बट इसमें मैंने कोशिश की है कि जितना वेल स्टडीड रिसर्च के बेसिस पे स्टडी जिसको हम बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी, जो इफेक्टिव टेक्निक्स है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बनाने का ट्राई किया है, सो आई वुड रेकमेंड दैट तुम एक्चुअली एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो, ठीक है, स्टार्ट टेकिंग नोट्स या डिजिटल नोट्स बनाओ। बेसिकली इस वीडियो को माइंडफुली देखो, ये नहीं कि तुम अभी प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो तुमने टीवी पे या लैपटॉप कहीं पे मतलब बैकग्राउंड में चला दिया है, ट्राई या फिर सेव कर लो, ऐसे देखो कि ये तुम्हें एक्चुअली हेल्पफुल हो। प्रोक्रास्टिनेशन को कई बार जैसे मैं हिंदी में सर्च करने की कोशिश कर रही थी बट उसमें आता है टाल मटोल। टाल मटोल आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली क्या बोलते हैं कि एग्जैक्टली उसका इक्विवेलेंट है कि नहीं है हिंदी में, क्योंकि ठीक है कई चीज़ें हम टालते हैं बाद के लिए, बट कई उसको कई बार हम स्ट्रेटेजिक डीले भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ उस टाइम करना इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हो, उसकी जगह अगर हम कुछ और करें तो शायद हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल। बट प्रोक्रास्टिनेशन की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो उसमें डिस्ट्रेस अटैच्ड होता है, ठीक है, मुझे जो एक्चुअली करना है, मेरा जो गोल है मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ किसी ना किसी रीज़न की वजह से या किसी ना किसी इमोशन की वजह से, और उसकी वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, मुझे तकलीफ हो रही है उससे, ठीक है, तो ये एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन फेलियर है।
क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन से काफ़ी, मैंने जैसे बोला कि प्रोक्रेस्टिनेशन से काफ़ी तकलीफ होती है, वो इमोशनली बर्डनिंग भी होता है, तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम उसे जो भी हमारा इमोशंस है, थॉट्स है, हम कोशिश करते हैं हम ऐसी बिहेवियर्स में इंगेज करते हैं, ऐसे कुछ और काम करने की कोशिश करते हैं ताकि उन थॉट्स से, उन इमोशंस से, उस तकलीफ से हम डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ. ठीक है, जैसे मैंने रूम साफ करने का भी वो एग्जांपल दिया था. ठीक है, तो कई बार लगेगा यार रूम साफ करना तो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करना, बट एट द सेम टाइम तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें एक्चुअली करना है और जिससे परमानेंटली तकलीफ तुम्हारी कम होगी. ठीक है, सो इस वजह से ये सारी जो डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ हैं, कुछ देर तक ही तुम्हें रिलीफ मिलेगा, उसके बाद फिर से तुम्हारी वो थॉट्स चालू हो जाएंगी, फिर से वो तकलीफें चालू हो जाएंगी और फिर से यू कैन बिकम एंशियस. प्रोक्रेस्टिनेशन को तुम एक तरह से इस वे में कंसेप्चुलाइज कर सकते हो कि जो तुम्हारे इंटेंशन है, यानी कि जो तुम्हारी नीयत है, तुमने सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है, और तुम्हारा जो एक्शन है, ठीक है, जो तुम एक्चुअली स्टेप्स लेते हो, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. और तुम कोशिश तो हमें क्या करना है अलग अलग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज के थ्रू कि उस गैप को जितना हो सके उतना हम क्लोज कर सकें. ठीक है, ताकि प्रोक्रेस्टिनेशन करना डिफिकल्ट हो जाए और वो एक्शन करना जो हम इंटेंड करते हैं वो ज़्यादा ईजी हो जाए. सबसे पहले जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेशन की कम करने की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इनसाइट डेवलप करना, खुद को समझना कि एक्चुअली जो भी तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, किस वजह से आ रही है. ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैंने तीन रीजंस कैटेगराइज किए हैं. तुम्हारा कोई हेल्थ रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है. ठीक है, इमोशनल रीज़न हो सकता है, कुछ ऐसे बिलीव्स हो सकते हैं अपने बारे में जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, तुम्हें डर लग रहा है कि भाई अगर मैंने ये एक्चुअली काम किया और मैं फेल हो गई तो फिर क्या होगा, और वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो. मैंने एक डिसीजन मेकिंग पे वीडियो बनाया है जिसमें, अगर तुमने देखा होगा, तुम्हें याद होगा, तो ओवर चॉइस, जो बहुत सारे चॉइसेस होते हैं और डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली टेक अ डिसीजन. थर्ड रीज़न हो सकता है कि आउट ऑफ हैबिट, यानी तुम्हारी आदत हो गई है प्रोक्रेस्टिनेट करने की. जितनी बार कोई काम आता है, तुम्हारा पहले भी तुमने ऐसे किया था कि हाँ ठीक है लास्ट मोमेंट पे किसी तरह झुक झुक करके कंप्लीट कर दिया था, तो अब तुम्हारी आदत हो गई है, ठीक है एंड में मैं कर लूँगी. प्रोक्रेस्टिनेटर्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, पर वो अपने टास्क को इतना ज़्यादा टाल रहे हैं, इस पॉइंट तक टाल रहे हैं कि उनके अंदर का पैनिक बटन जो है वो प्रेस हो जाता है और वो पैनिक मोड में आ जाते हैं. अब शिट, अब तो टास्क नहीं स्टार्ट किया तो ख़त्म नहीं होने वाला है. एंड उसके बाद परफेक्शन तो दूर की बात है या बहुत अच्छा तो दूर की बात है, उनका मेन फोकस होता है कि यार ये कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टास्क अच्छे से हो या ना हो. अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये डेडलाइंस के साथ होता है, राइट, बट जो खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है जहाँ पे कोई डेडलाइन नहीं होती है, जहाँ पे कोई देखने वाला तुमको नहीं होता है, उधर ये सब प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन की और ज़्यादा सिवियर हो जाती है, बिकॉज उस टाइम पे कोई डेडलाइन नहीं है, तुम्हें खुद को ही मोटिवेट करना है, खुद ही डिसिप्लिन अपने अंदर लाना है और खुद ही डिसीजंस लेने हैं और उनको कमिट भी खुद ही करना है, राइट. सो ऐसे केसेस में, जैसे स्पेशली पीएचडी वगैरह में, ऑल दो उसमें सुपरवाइजर होते हैं, बट ज़्यादा लीवे होता है कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर पाओ. सेल्फ प्रोजेक्ट, खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, फिटनेस वगैरह में भी, इनफैक्ट अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा कोई पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है जो तुमको बोले भाई कि तुमने क्यों नहीं किया ये इस वे में न्यूट्रिशन चार्ट फॉलो क्यों नहीं किया, फूड चार्ट जो भी होता है वो फॉलो क्यों नहीं किया, या ये रूटीन क्यों नहीं फॉलो किया, तुम्हारे पीछे कोई नहीं पढ़ने वाला होता है. ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा इशू प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है. सो मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन के बारे में बहुत वीडियोज़ होते हैं कि हम मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, बट मोटिवेशन का प्रॉब्लम ये है प्रोक्रेस्टिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में या कोई भी प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में, कि मोटिवेशन टेम्पररी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, और कुछ टाइम के बाद इट रन्स आउट.
ठीक है, खत्म हो जाता है. हर टाइम मोटिवेटेड नहीं हो सकते हो. ऑफ कोर्स इंटेंशन बनाने के लिए, इंटेंशन जगाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम्हारे एक्शन को या एक्शन को सस्टेन करने के लिए ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन पे रिलाई करना काफ़ी रिस्की होता है. ठीक है, तो इससे हम मोटिवेशन पे कंटिन्यूसली रिलाई नहीं कर सकते. एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए अलग अलग टेक्निक्स सीखनी होंगी और उससे एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा देर तक ज़्यादा सस्टेनेबल वे में हम प्रोडक्टिव रह पाएँ और प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम कम कर पाएँ. एक और प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की वजह से, जैसे ओवर मोटिवेशन कहते हैं, उसकी वजह से भी प्रोक्रास्टिनेशन हो सकता है, राइट? बिकॉज तुम जब बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ करने के लिए मोटिवेटेड होते हो, तब फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, उसमें फेल होने का डर, उसमें नाकाम होने का डर भी बढ़ जाता है उतना ज़्यादा. ठीक है, तब तुम्हारे लिए स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं. इवन दो तुम काम वो बहुत ज़्यादा करना चाहते हो, यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल एट इट. तुम करना भी चाहते हो बट उसे नहीं भी करना चाहते हो. ठीक है, तो उस डिलेमा में तुम फंस जाते हो. थोड़ा भी ऐसे कुछ साइकोलॉजी फिलोसफी वगैरह पढ़ी होगी तो यू वुड नो दैट हर एक चीज़ के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, राइट? साइकोडाइनामिक थ्योरी एक अलग वे में किसी फिनोमेना को फिनोमिनन को एक्सप्लेन करती है. कॉग्निटिव बिहेवियरल स्कूल वाले अलग वे में एक्सप्लेन करते हैं और उनके अंदर भी सब स्कूल्स होते हैं, राइट? तो इससे प्रोक्रास्टिनेशन को भी अलग अलग वे में, अलग अलग थ्योरीज और अलग अलग स्कूल्स में डिफरेंट टेक्निक्स दी गई हैं. बट मैं क्योंकि स्टडीज़ के हिसाब से CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सॉरी कॉग्निटिव बिहेवियर और बिहेवियरल टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई हैं, तो इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करूँगी. अब ये टेक्निक्स एक्सक्लूसिव नहीं हैं, ठीक है, दे कई बार वो ओवरलैप करती हैं एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे के सारे टेक्निक्स यूज़ करने या सब के सब कुछ तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे. सो अगेन इट इज़ अप टू यू टू पिक एंड चूज के तुम्हारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा और क्या नहीं होगा, राइट? एंड कौन सी चीज़ें तुम कॉम्बिनेशन में कर सकते हो. अगर हम पूरी चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज करें, जब यू नो प्रोक्रास्टिनेशन एज अ हैबिट को एंड उससे कैसे डील करते हैं, टू पॉइंट्स ऑफ द रोड, ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट है रोड के. ठीक है, गुड हैबिट्स की तरफ तुम फ्रिक्शन कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, एफर्ट कम लगे जिसकी वजह से तुम इजीली उस रास्ते पे जा पाओ. और बुरे हैबिट्स की तरफ तुम फ्रिक्शन बढ़ाने की कोशिश करोगे ताकि वो हैबिट्स करना या वो आदत चीज़ें करना डिफ़िकल्ट होता जाए. इसी लाइन में पहली जो टेक्निक है वो है ऑटोमेट डिज़ायरेबल एक्शंस. मतलब ऑटोमेशन का मतलब है कि ह्यूमन इंटरवेंशन हम सबसे कम कर रहे हैं, राइट? यानी हम अपना एफर्ट कम कर रहे हैं और जो एक्चुअली करना चाहते हैं उसको ईजी बना रहे हैं अपने लिए. ठीक है, अगर तुमने ये सोचा है कि यू नो मेरे को अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है बट मेरे से पानी बार बार ग्लास में लेके पिया नहीं जाता है, तो बॉटल में रखो, अपने बेड साइड टेबल पे रखो एंड कीप टेकिंग सिप्स. अगर तुम्हें कोई यूट्यूब वीडियो बनाना है, काफ़ी बार काफ़ी दिक्कत होती है कि यू नो माइक भी सेटअप करना है, लाइट भी सेटअप करनी है, कैमरा इक्विपमेंट सेटअप करना है, सारा ऑडियो इक्विपमेंट सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा एक घंटा ऐसे लग जाता है. और उसकी वजह से वो थॉट की वजह से यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट. अगर इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही होती है तो व्हाट यू कैन डू इज़ या तो कोई रूम में या अपने ही रूम में ये ऑलरेडी सेटअप रखो अपना, और सो दैट यू आर मेकिंग इट ईजियर फॉर यू टू जस्ट स्टार्ट एंड गेट इन डू एक्शन. ठीक है, ऑफकोर्स ये थोड़ा दिक्कत तब हो सकता है अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसको यू नो एकदम सफाई चाहिए, एकदम कोई भी चीज़ क्लटर वगैरह नहीं चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे पैक चाहिए, तब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट अगर अकेले रह रहे हो या फिर आपके रूममेट फ्लैटमेट जो भी है उनको प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन डू दिस फॉर योरसेल्फ. मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम होता है सुबह उठने में कई बार, तो आई डू मेंटल रिचुअल्स. तो उसमें क्या है कि कई बार मेरे लिए प्रॉब्लम होता है ये सोचने में कि अभी मेरे को उठना है, बेड से उठ के जाना पड़ेगा, फिर ब्रश करना पड़ेगा, फिर ये करना है, मुझे ऑफिस जाना है. यू नो मैं पूरे दिन का जो फ्यूचर है वो अपने मेरे दिमाग में थॉट्स चल रही होती है. तो अब वो जो डिस्ट्रेसिंग थॉट है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. तो व्हाट आई टेल माई सेल्फ इज़ लाइक आई विल वेक अप, मैं 3 तक गिनूंगी,
ठीक है, मैं तीन तक गिनूंगी और तीन तक गिनने पर मैं फिर उठ जाऊंगी बिना कुछ सोचे, ठीक है। एंड आई जस्ट से 1, 2, 3 एंड आई गेट अप एंड फिर मैं जितना हो सकता है उतना दूर अपने बेड से जाती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, ब्रश करती हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो मैंने मेरे डिस्ट्रेसिंग थॉट चल रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी और नहीं अपना नेक्स्ट स्टेप ले रही थी, वो थॉट्स रिप्लेस हो जाते हैं नए अपने जो ऐसे थॉट्स से जिसका कोई इमोशनल कंपोनेंट नहीं है, जिसकी वजह से कोई मुझे डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, राइट। दिस टेक्निक इज़ इन लाइन्स विद बिहेवियरल एक्टिवेशन, जो काफ़ी बार वो टेक्निक डिप्रेशन वगैरह में भी यूज़ करते हैं। मैंने एंडी स्टेपटन की वीडियो में देखा था, इट्स कॉल्ड अ 10-minute rule। तो ही वुड टेल हिमसेल्फ कि मैं अपने आप को 10 मिनट देता हूँ, मैं 10 मिनट तक लिखूँगा, उसके बाद अगर मुझसे नहीं लिखा जाएगा तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ये 10-minute rule और भी काफ़ी चीज़ों में एप्लीकेबल हो सकता है, तुम्हारे असाइनमेंट्स में एप्लीकेबल हो सकता है, वर्कआउट्स में एप्लीकेबल हो सकता है कि ठीक है मैं 10 मिनट तक ही वर्कआउट करूँगी। एंड कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो जाता है कि यू डू एंड अप यू नो एक्चुअली फॉलोइंग थ्रू हाफ एन आवर, 1 hour, वट एवर योर गोल इज़। ऑफकोर्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अपने साथ जो अपने खुद के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम 10 मिनट तक कर रहे हो और उसके बाद भी यू आर फीलिंग यू नो टेरिबल कि नहीं अभी भी मुझसे नहीं लिखा जा रहा है, तो ये नहीं कि तुम अपने आप को पुश करते रहो, एक्चुअली जस्ट स्टॉप डूइंग इट। सेकेंडली, मेक अनडिज़ायरेबल एक्शंस मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, हम जो हमारे डिज़ायरेबल एक्शन जो हम करना चाहते हैं उसमें फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, राइट। वैसे ही जो हमें नहीं करना है उसमें हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है, वी हैव टू मेक इट मोर डिफिकल्ट। व्हेन यू आर स्टडिंग, कई बार तुम पढ़ रहे होते हो एंड तुम्हें बार बार होता है यार इंस्टाग्राम एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है, और वो थॉट आती रहती है, फिर तुम एक बार अपना फ़ोन खोलते हो, देन यू जस्ट माइंडलेसली स्क्रोल एंड स्क्रोल एंड स्क्रोल। मेरे साथ भी होता है, उस अर्ज को डिफ़िकल्ट करना है, उस अर्ज तो डिफ़िकल्ट मतलब अर्ज तो तुम्हें आएगी बट वो अर्ज को फॉलो करना डिफ़िकल्ट करना है। और साइड में एक कीप अ डिस्ट्रैक्शन जर्नल, ठीक है। अब उस डिस्ट्रैक्शन जर्नल में तुम क्या करोगे कि जैसे ही तुम्हारी अर्ज आई कि मेरे को इंस्टाग्राम अभी स्क्रोल करना है, यू ओपन दैट जर्नल, वो जर्नल ओपन है, ठीक है, अगेन मेक इट ईजी फॉर यू टू डू दैट, वो जर्नल खोल के रखो। उसके बाद तुम लिख दो कि भाई मुझे ये टाइम हो रहा है, मुझे इंस्टाग्राम खोलने का मन हो रहा है। अब उसके बाद तुम्हें वो करना है या नहीं करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट दिस डज इज़ वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देगा तुम्हारे डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी में, तुम्हारे स्क्रोलिंग वाले एक्टिविटी में। दूसरा, तुम क्या कर सकते हो कि लेट्स से ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, या मैं ये कई बार करती हूँ, मैं डिलीट कर, अगर जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरी स्क्रोलिंग बढ़ गई है तो मैं ऐप डिलीट कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ अब मैं अगर मुझे इंस्टाग्राम देखना है तो मैं ब्राउज़र से देखूँगी, जैसे क्रोम, गूगल क्रोम वगैरह अपने फ़ोन में जो भी होता है उसमें instagram.com में जाके लॉगिन करके, एंड आई वोंट सेव माई लॉगिन इन्फॉर्मेशन, वो अनसेव्ड ही रहेगी, मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। अब जब मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ेगा तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या फिर मैं जितनी बार, अगर कोई ऐसी ऐप है जिसको ऐप से ही चल सकती है तो आई विल डिलीट दैट ऐप एंड फिर उसको री इंस्टॉल करूँगी हर टाइम जब भी मुझे उसे यूज़ करना है। सो बेसिकली लेयर्स ऐड कर दो, स्टेप्स ऐड कर दो, ताकि तुम उस चीज़ को जितना हो सके उतना डिफ़िकल्ट कर पाओ। जैसे अगर यू वॉन्ट टू यू नो रिड्यूस योर जंक फूड, तो जंक फूड ग्रोसरी में जाते वक्त ही कम खरीदो, या फिर तुम ये सोचो कि जब मैं नाचोस तभी खाऊंगी जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगी, ठीक है। आई नो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव बट ये तुम्हारे हेल्थ के लिए कम कॉस्टली है। बहुत सारी ऐप्स हैं डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए, फॉरेस्ट करके आप बहुत सुना है, एंड एक्चुअली मैंने फॉरेस्ट ऐप यूज़ भी किया है। तो उसमें ऐसे कुछ होता है कि तुम जितने टाइम तक काम करोगे उतने टाइम तक पेट बढ़ता जाएगा तुम्हारा, और जैसे ही तुम अपना फ़ोन किसी डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ करोगे वैसे ही वो मर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। थर्ड है रिवॉर्ड्स, ठीक है। अगर तुमने कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है, थोड़ा भी एसोसिएशन के बारे में पढ़ा है, तो तुम्हें पता होगा कि कोई भी चीज़ से अगर तुम रिवॉर्ड अटैच कर दो तो इट बिकम्स मोर डिज़ायरेबल, तुम्हें वो करने का ज़्यादा मन होता है, राइट। अब लेकिन इसमें क्या है, ये नहीं कि हाँ ठीक है अभी मैंने अगर एक्सरसाइज कर ली तो मैं एक टॉफ़ी खाऊंगी, नहीं, वो वैसे टाइप के रिवॉर्ड नहीं करने हैं।
तो वो जो रिवॉर्ड है वो यूनिक होना चाहिए, वो स्पेशल रिवॉर्ड होना चाहिए जो तुम उसी टाइम पे कर रहे हो जब तुम वो एक्टिविटी कंप्लीट करते हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे को ना मेरा जो घर से काम तक का कम्यूट था, मुझे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट मुझे वो कम्यूट से बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करती थी एंड उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी एंड वो सोच के मैं से उठा नहीं जाता था कि मुझे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में यू नो ट्रैवल ये कम्यूट करना है। तो मैंने पॉडकास्ट सुनने स्टार्ट किए, तो जब भी मैं गाड़ी ड्राइव करती थी मुझे पॉडकास्ट सुनना एक्चुअली आई एन्जॉय इट, ठीक है, ऐसे नहीं कि तुम्हें पसंद नहीं है और तुमने ज़बरदस्ती किया तो ऑब्वियसली मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। मैं करना पड़ेगा से करना चाहती हूँ पे जाना चाह रही हूँ, राइट। ऑफकोर्स ये इम्पॉर्टेंट है कि तुम जो रिवॉर्ड है उस चीज़ को इन्जॉय करो। हो सकता है अगर तुम पॉडकास्ट इन्जॉय नहीं करते हो तो गाड़ी चलाते टाइम उसका सुनने का कोई मतलब नहीं है, राइट। सो मे बी यू कैन लिसन टू एन ऑडियो बुक, ठीक है, कोई फिक्शन बुक सुन सकते हो। सेम चीज़ जिम एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हो कि यू नो मैं जिम पे जाऊँगी तो मैं ये वाला ऑडियो बुक सुनूंगी एंड ये मैं और कभी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है, मैं जब वहाँ जाऊँगी तो ही करूँगी। तो वो रिवॉर्ड शुड बी यूनिक, से मेरा मतलब यही है कि वो उस एक्टिविटी से ही अटैच रखना है, ना कि तुम कभी भी वो एपिसोड सुन लो या कभी भी वो पर्टिकुलर ऑडियो बुक सुन लो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो रिडंडेंट हो जाएगा। वो मैंने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया बट इट इज़ आई कैन डू दिस बिकॉज मेरी प्रोसीजरल मेमोरी में है। अगर तुम नया नया गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो ये नहीं कि तुम पॉडकास्ट सुनने लगो, यू हैव टू लाइक डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ठीक है, डू इट एट योर ओन रिस्क और डोंट डू इट। फिर हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट्स, कई लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जब वो पब्लिकली अनाउंस कर दें कि हाँ भाई मैं ये काम करने वाली हूँ। तुमको कोई अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए है, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, तब प्रोक्रास्टिनेशन करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल तुमने कोई स्टडी बडी रख लिया कि ठीक है हम दोनों ये वाला कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, या जिम बडी रख लिया, या फिर फेसबुक पे अनाउंस कर दिया कि हाँ भाई मैं अभी यू नो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर सम पीपल। ऑनेस्टली मेरे लिए इतना हेल्पफुल नहीं रहा है बट काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इसके खुद के कैवियट्स हैं, इसके खुद के पिटफॉल्स हैं, क्योंकि अगर आपका जिम बडी का ही मोटिवेशन ज़ीरो हो जाए किसी दिन तो फिर आपके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो ये यू नो हिट और मिस है डेफिनेटली, बट जिनके लिए काम करता है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट एक कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है प्रोक्रास्टिनेशन के लिए। कोई भी शेड्यूल बनाना या टाइम मैनेज करना इट्स अ स्किल, राइट। सो वो तुम्हें आना ज़रूरी है ताकि तुम्हारा जो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है उसके लिए थोड़ी आसानी हो पाए और उसके लिए ओवरवेल्म होना कम हो पाए आगे जाके। रोज़मर्रा के डिसीजन मेकिंग में ओवरवेल्म होने से कैसे बचते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आई वुड पुट इट प्रोबेबली इन समवेयर हियर, आई डोंट नो। प्लानर बनाना या लिस्ट बनाना कई बार लगेगा कि यार ये तो काउंटर इंट्यूटिव है। काउंटर इंट्यूटिव मतलब कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्यों कर रहा है, राइट, मतलब वुडेंट इट इवन टेक मोर टाइम, मतलब इसमें और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल बनाते रहते हैं एंड देन दे नेवर एक्चुअली फोकस ऑन इट, वो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बस प्लानिंग ही करते रहते हैं, राइट। बट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सीखना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है बिकॉज अगर तुम पहले से ये सोच लो कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट, एंड पहले से प्लान कर लो अपने प्रायोरिटीज़, तब तुम ये सोच के ओवरवेल्म नहीं होगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट, अब करना क्या है, तो वो एक चीज़ बच जाएगी और योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, राइट। मेक श्योर कि तुम्हारा जो भी बेसिकली गोल है वो रियलिस्टिक है, राइट, जो भी तुम प्लान बना रहे हो वो तुम रियलिस्टिक बना रहे हो, तुम 8 घंटे 16 घंटे 30 घंटे पढ़ने का एक दिन में नहीं बना रहे हो। मैंने अपने इंडिपेंडेंट रिसर्च में, मुझे पता है मैंने जो रिसर्च की थी लास्ट, आई रिमेंबर दैट वी वर जस्ट 2 पीपल और वी डेफिनेटली बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। बहुत सारा काम ले लिया था, बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर लिए थे, बहुत सारे गोल्स रख लिए थे एंड
पता नहीं खुद ही, मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसे कंप्लीट हुआ है, बट बहुत ज़्यादा कई बार वर्ज पे आए हैं बर्नआउट होने के. एक चीज़ जो मुझे तभी हेल्प की थी वो आउटसोर्सिंग काफ़ी हेल्प किया था. तो आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जब कुछ कोई अमाउंट ऑफ काम है जो तुम्हारे लिए शायद मोनोटोनस हो, राइट, बट कोई और कर सकता है एंड यू कैन अफोर्ड टू हायर समबडी एल्स टू डू इट, तो तुम उस काम को आउटसोर्स कर सकते हो. जैसे हमने क्या किया था कि इंटरव्यूज़ के ना ट्रांसक्रिप्ट्स बनाने होते हैं ताकि तुम्हारे पास एक रिटन फॉर्मेट में हो, और स्पेशली इंग्लिश वगैरह में करना तो ईजी है बट हिंदी के लिए सॉफ्टवेयर इतने सोफिस्टिकेटेड है नहीं, तो वो हाथ से या मतलब वही टाइप करके खुद मैनुअली बनाना होता है. ठीक है, अगर अब हमारे पास 80 इंटरव्यू थे, हर एक इंटरव्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 hour लॉन्ग था, मे बी इवन लाइक सम ऑफ देम वर 2.5 hours लॉन्ग, तो अगर वो करने बैठते तो डेफिनेटली मतलब पहले ही बर्नआउट हो जाते हैं. तो इंस्टेड हमने क्या किया, 5-10 लोगों को जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे या यू नो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, उन्हें हम लोगों ने यू नो हायर किया टू एक्चुअली राइट दोज ट्रांसक्रिप्ट्स. एंड ऑफकोर्स हमने उनको ट्रेन भी किया एंड हमने उनको गाइडेंस भी दी, वी ऑल्सो कॉम्पेंसेटेड देम, ऐसे नहीं वो अनपेड इंटर्नशिप वाला सीन नहीं था, बट एंड वी गेव देम वर्कशॉप्स. बट उससे क्या हुआ कि हमारा काम भी हो गया, उनको भी यू नो काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस मिल गया, और साथ साथ वो रिसर्च भी हो पाई, क्योंकि अगर वो करने बैठते देन बहुत ज़्यादा थक जाते. तो आउटसोर्सिंग इज़ समथिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा यू नो हायर लेवल है, इसीलिए मैंने कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक इसे नहीं रखा है. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि रियलिस्टिक गोल सेट करो, प्रायोरिटाइज करो कि तुम्हें क्या पहले करना है, एंड प्लान आउट करो अपने यू नो मे बी नॉट डेली गोल बट लाइक एटलीस्ट वीकली गोल कि तुम्हें किन चीज़ों पे कब फोकस करना है. ठीक है, सो दैट वुड रियली हेल्प यू. अनदर थिंग विच हेल्प्स, जो इतना आई गेस मेन स्ट्रीम एडवाइस नहीं है, वो है कि अपने ब्रेक्स को शेड्यूल करो पहले. ठीक है, मुझे ब्रेक्स लेना बहुत पसंद है, मैं ब्रेक ही लेती रहती हूँ, कई बार ये हो जाता है. तो क्या करो कि पहले तुम्हें, अगर तुम्हें पता है कि यार मेरे को मैं गेम खेलती हूँ, ठीक है, या मैं फीफा खेलती हूँ लेट्स फॉर एग्जाम्पल, तो तुम सोच लो कि भाई मैं इतने टाइम तक फीफा खेलूँगी या जो भी है, वट एवर योर ब्रेक ऐसे में, ठीक है, ये मे बी योर वॉचिंग अ शो, तो तुम वो ब्रेक पहले प्रायोरिटाइज कर लो कि ये मैं इस टाइम पे करूँगी, एंड फिर उसके अराउंड जो भी तुम्हारे और प्रायोरिटीज़ हैं वो फिर शेड्यूल करो, राइट, इफ़ इट इज़ पॉसिबल. तो वो भी एक हेल्पफुल तरीका है टू एक्चुअली यू नो मेक योर प्लान विदाउट इट बीइंग अनरियलिस्टिक एंड विदाउट यू नो बाद में तुम्हें लगेगा अरे मैंने तो अपने आप को ब्रेक के लिए कुछ टाइम ही नहीं दिया, है ना. सो वो नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट नहीं आना चाहिए जहाँ पे तुम उस चीज़ से ओवरवेलम हो रहे हो और फिर जो एक्चुअली काम करने का टाइम है उसमें तुम ब्रेक ले रहे हो. तो इसको एक्चुअली ये टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग बोलते हैं. टाइम ब्लॉकिंग के बारे में डिटेल में डीप वर्क करके एक बुक है कैल न्यूपोर्ट की, आई वुड सजेस्ट कि वो पढ़ो अगर तुम्हारे पास टाइम हो. काफ़ी छोटी बुक है और काफ़ी ईजी रीड है, सो यू कैन गो थ्रू इट. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स भी मिल जाएंगे, यू डोंट एक्चुअली हैव टू रीड द बुक. बहुत बार ओवर मोटिवेशन की वजह से हमें एक फियर ऑफ फेलियर डेवलप हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करना चाहते हैं, ओवर मोटिवेटेड है, हमें ये भी चाहिए कि हम उसमें सक्सेसफुल हों, और जब हमें ये चाहिए कि हम सक्सेसफुल हों तो हमें फेलियर का, हार का डर हो जाता है. ठीक है, निराशा का डर हो जाता है, वी डोंट वॉन्ट टू फेल एट इट, एंड क्योंकि हम फेल नहीं होना चाहते हैं तो उस वजह से कई बार हम वो काम करते ही नहीं हैं, राइट. सो अगर ये प्रॉब्लम है कि तुम वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर, निक वोक की एक बहुत अच्छी टेक टॉक है, उन्होंने सेल्फ वर्थ थियोरी के थ्रू प्रोक्रास्टिनेशन को एक्सप्लेन किया था. उसको मैं सिंप्लीफाई करूँ उसको, तो ये कहा था कि वी हैव अ नीड, एक इंटरनल नीड है कि हम अपने आप को एक केपेबल इंसान की तरह देख पाएँ. उस नीड के को फुलफ़िल करने के लिए, उस चाहत को फुलफ़िल करने के लिए हम बाकी सारे जो नीड्स हैं उसको सैक्रिफाइस कर सकते हैं, राइट. तो वी माइट नॉट इवन एक्चुअली डू द टास्क, क्योंकि हमारा जो वर्थ है, ठीक है, हमारी जो खुद की वैल्यू है, हमने टाइक की है किस चीज़ से, हमारे परफॉर्मेंस से. ठीक है, बेसिकली हमने सोचा जो हमारी परफॉर्मेंस है दैट इज़ इक्वल टू आवर अबिलिटी, और जो हमारी अबिलिटी है वो ही हमारी वैल्यू है.
प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा यू नो इट्स लाइक अ डेडली साइकिल, बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन खुद जो एक्ट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन है वो हमारे वो भी हार्मफुल है हमारी सेल्फ वर्थ के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तुम ठानते हो कोई चीज़, ठीक है, कि ये बात ये मुझे करनी है, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, मैं मेरे को इस चीज़ में सक्सेसफुल होना है, और फिर वो चीज़ नहीं करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा तुम्हारे ऊपर से भरोसा हटने लगता है, तुम्हारी रिलेशनशिप खुद से ख़राब होती जाती है। और जब तुम्हारा तुमसे भरोसा सेल्फ ट्रस्ट चला जाता है या कम हो जाता है, तो तुम अपने आप को वैल्यू भी कम करने लगते हो, तुम्हारी सेल्फ वर्थ भी कम होने लगती है। तो अभी क्या करना है, उस मोटिवेशन को हमें अवॉइडेंस बिहेवियर से अप्रोच बिहेवियर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम नज़रअंदाज करने से तो वो हल नहीं निकलेगा, राइट। तो हमें एक्चुअली उस पर वर्क करना है। तो सबसे पहले तो इस थॉट को चैलेंज करने की ज़रूरत है कि हमारी परफॉर्मेंस और हमारी जो योग्यता है, क्षमता है, एबिलिटी है, उसका कोई भी रिलेशन है हमारी सेल्फ वर्थ से, ठीक है, हमारी वैल्यू से, इंटरनल वैल्यू से। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं जो खुद से एक्सपेक्टेशन है, और जो तुम्हारी तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है या जो भी तुम्हारा वर्क है जो तुम्हें करना है, उससे एक्सपेक्टेशन कम कर दो। एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी दैट यू विल फेल, ठीक है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुम फेल भी हो सकते हो। जो भी तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसको या तुम्हारा टास्क है को उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखो, और तुम्हारे पर्पस से अलाइन करो। यू नो यू विल बी एबल टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन यूजिंग दैट मोटिवेशन टू अप्रोच टूवर्ड्स वॉट यू वॉन्ट टू डू रादर देन अवॉइड इट। तुमने जो अपने स्टेक्स इतने हाई करके रखे हैं, अपने दिमाग में जो एक्सपेक्टेशन अपने आप से इतनी हाई करके रखे हैं, उनको कम कर दो। जो भी तुम्हारा टास्क है उसको इस वे में मत देखो कि इससे मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी कि मैं वर्थ हूँ कि नहीं हूँ। उसे अपने आप से अलग करो, ठीक है, सेपरेट इट फ्रॉम योर सेल्फ एंड ट्राई टू मेक इट मोर मैनेजेबल। जैसे मैंने टाइम शेड्यूलिंग में रियलिस्टिक गोल्स के बारे में कहा था, या फिर आउटसोर्सिंग के बारे में कहा था, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स हैं जिससे तुम उसे मैनेजेबल बना सकते हो। जब तुम इसे अपने एक एक्सपेरिमेंट की तरह और अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे अपने प्रोजेक्ट को या टास्क को, तो तुम ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं इसमें फेल भी हो सकती हूँ, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करना चाहते हो। तो ये मैंने यूट्यूब पे कमेंट पढ़ा था, जो उन्होंने खुद ने रेडिट पे पढ़ा था, सेइंग इज ऑनेस्टली मोर मोटिवेटिंग देन यू कैन डू दिस और एनी वेल थॉट आउट प्लान टू गेट समथिंग डन, बिकॉज एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। मुझे कभी मोटिवेशनल कोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, राइट, मैं पता नहीं, लाइक आई नेवर फाउंड देम मोटिवेटिंग। इतना सक्सेसफुल बनो कि जलने वाले जल के राख हो जाए, कोयला हो जाए, पाउडर पाउडर हो जाए, और सक्सेस कैसे होना है वो तो मुझे भी नहीं पता, मे बी ऑन द प्रोसेस हूँ, तो आप लोग खुद रास्ता ढूंढ लीजिए, पर सक्सेस होना है। तो जब तुम ये कह देते हो कि ठीक है मेरे को बस ये कंप्लीट करना है, या लेट्स से तुम लैब में काम कर रहे हो, मुझे ये बस एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करना है, भाड़ में आए, रिजल्ट कैसे भी आए, मैं बस इसे जो प्रोसीजर दिया है उस हिसाब से फॉलो करूँगी, या जो मैंने प्रोसीजर सोचा है इस हिसाब से फॉलो करूँगी, या भाड़ में जाए मेरे को नहीं करना है, सब्जेक्ट ड्रॉप करना है, मैं ड्रॉप कर दूँगी, बट आई जस्ट डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन। जब आप अपने आप को फेलियर की परमिशन दे देते हो तो आपके लिए काम करना काफ़ी आसान हो जाता है, एंड समटाइम्स यू माइट इवन बी एक्साइटेड, बिकॉज उस टाइम पे तुम अपने तुम्हारे जो उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते हो रहे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सजेशन है कि अपने आप को बुली करना बंद करो, स्टॉप बुलिंग योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे तुमने पिक्चर्स में भी देखा होगा और बहुत सारे लोगों को करते हुए भी देखा है कि वो मिरर के सामने जाके बोल रहे हैं, अरे तू तो एकदम फेलियर है और ये क्या कर दिया, बिल्कुल ही एकदम हगी दिया है तुमने। तो ये करना अपने आप के साथ बंद करो, अपने आप को भी एक इंसान समझो, ये समझो कि तुम भी रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप से ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो करना बंद कर दो, ठीक है, अपने आप से तमीज से बात करो, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी सेल्फ वर्थ को हार्म कर सकता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल ही नार्सिसिस्टिक बिहेवियर करो और बस अपने आप को महान ही समझने लगो, बट ना उस महानता के पेडेस्टल पे चढ़ाओ और ना ही एकदम गिरा के रखो, एक नॉर्मल यू नो लेवल पे रखो अपने आप को।
फाइनली जैसे मैंने बोला था कि हेल्थ रीजंस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो बट एक्चुअली तुम्हारी एनर्जी ही डाउन है, ठीक है, यू आर फीलिंग अ लैक ऑफ एनर्जी. तुम्हारी प्रायोरिटी नंबर वन इन एनी केस होनी चाहिए दैट यू फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड फोकस ऑन योर स्लीप हाइजीन, ताकि उस एनर्जी लेवल को तुम सही टाइम पे ला पाओ. क्या यू सबसे पहले सर्वाइवल ज़रूरी है. अगर यू हैव रियलाइज्ड कि यू नो खुद से ये तुमसे नहीं हो पा रहा है, चाहे प्रोक्रास्टिनेशन खुद ही इतनी ज़्यादा सिवियर हो गई है या फिर और कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो थेरेपी की तरफ भी जा सकते हो. आई नो कि बहुत ही एकदम गो टू हो गया है कि हर बंदा तुम्हें लगता होगा बोल देता है कि यार थेरेपी जाओ, एंड सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं थेरेपी, आई अंडरस्टैंड दैट. बट बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वॉलंटियर करते हैं, कम रेट्स में थेरेपी ऑफर करते हैं, तो यू कैन सीक देम आउट. सो प्रोक्रास्टिनेशन को जैसे मैंने बताया, देखने के बहुत सारे तरीके हैं. हो सकता है कोई टेक्निक है वो तुम पे काम करेगी, कोई नहीं करेगी, ठीक है. अपने लिए यू हैव टू, जैसे मैंने शुरू में बोला, यू हैव टू पिक एंड चूज. ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं तो वो जनरल पॉपुलेशन पे बेस्ड होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आज के आज तुमको सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो करने हैं, आज के आज सब कुछ ख़त्म करना है, आज के आज सारा प्लान बनाना है. इस वीडियो से एक टेक अवे लिख लो, जैसे मैंने बोला था मेक इट मैनेजेबल, एक टेक अवे लिख लो और फिर या एक चीज़ लिख लो जो जिस पे तुमको अभी फोकस करना है, ठीक है. पहले मैं इनसाइट डेवलप करने के बाद एक चीज़ लिख लो कि हाँ यार मुझे इस चीज़ में काम करना ज़रूरी है, एंड फिर उस पे वर्क करो, चाहे एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, जितना भी लग रहा है. सो फॉर एग्जांपल, वीडियो देखते देखते तुम्हें सडनली रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार मैं एक्चुअली काफ़ी अपने आप के साथ नेगेटिवली सेल्फ टॉक करती हूँ, ठीक है, कि मैं काफ़ी अपने आप को बुली तो करती हूँ, ऐसे मन में काफ़ी सोचती रहती हूँ यार तू फेलियर है या मैं फेलियर हूँ, वट एवर. तो फोकस ऑन चेंजिंग दैट, दिस इज़ वन ऑफ द वेज कि जितनी बार तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आए, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक आए, या तो मेंटली या फिर एक किसी नोटबुक में लिख लो कि हाँ ये मेरे दिमाग में ये थॉट आई नेगेटिव और ये सही नहीं है, राइट. सो उसका एक ऑल्टरनेटिव लिख लो, ठीक है, न्यूट्रल या पॉजिटिव. अगर तुम्हें लगता है कि इससे कुछ भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा हो या तुम इसमें से कोई स्ट्रैटेजी ट्राई करना चाहते हो, तो डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस नहीं की है बट तुम वो फॉलो करते हो और तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही है, तो उस बारे में भी लिख सकते हो, मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में ऑनेस्टली. वीडियो के सारे सोर्सेज और जो भी इंफॉर्मेशनल पीसेज हैं, जो भी रेफरेंसेज हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो यू कैन चेक देम आउट. और अगर तुम्हारे पास अभी कोई काम है और तुम ये वीडियो देख के प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, देन स्टॉप इट. ओके, बाय.